हेलो बच्चों, सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन बाय एजुकेशनल ग्रुप। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड वीडियो लेके आ चुका हूँ, पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। तो रेडी हो जाइए फटाफट। और ये पूरा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलैरिटी 12 मार्क्स का है और 12 मार्क्स में से 5 मार्क्स या 6 मार्क्स बस इस एक्सरसाइज से पूछा जाएगा। सर सच्ची है, सच्ची। नाइन्थ क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इसमें से कट नहीं हुआ है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, नाइन्थ वाला, सेवन्थ वाला, फिफ्थ वाला, इसमें से बोर्ड में से आना फिक्स है, आना फिक्स है, 101% गारंटी। तो जब आना फिक्स है, हमको पता है, सूरज सर बता रहे हैं, तो इसको क्यों ना अच्छे से कर लिया जाए आज के आज। इसको अभी बैठ के आप लोग करिएगा। चलो, नोटबुक पेन निकाल के रखिए, फटाफट एक बार देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तो है ही, ठीक है। चलो, तो बेटा क्या क्वेश्चन है देखो। कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट ई इज ऑन साइड बी सी, लाइन डी ई, लाइन डी ई इंटरसेक्ट रे ए बी एट पॉइंट टी, एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट डी ई इंटू बी ई, डी ई इंटू बी ई इक्वल्स टू सी ई इंटू टी ई, सी ई इंटू टी ई। ये अपने को प्रूफ करना है। यदि आपने देखा हो प्रूफ क्या क्या करना है, देखो बी ई बी ई, सी ई टी ई, मतलब ये दो ट्राइंगल अपने को सिमिलर करना है। हाँ सर, समझ गया, हलुआ हलुआ समझ गया ना। बस ये पता चल जाए कौन सा ट्राइंगल को सिमिलर करना, और सिमिलर करने मैंने आपको बता दिया। सर एक बार तो समझना पड़ेगा। हाँ, एक बार देखो, एक बार दिल लग गया तो फिर आ जाएगा, एक बार दिल लग जा रही, ठीक है। चलो, तो फटाफट देखते हैं ये ट्राइंगल को लेना है, पहले आपको बताना पड़ेगा। चलो, तो कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, यहाँ लिखना पड़ेगा इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी। अभी सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या होगा, साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट साइड साथ पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, प्रॉपर्टी तो आता रहेगा ना बच्चों, नाइन्थ में पढ़े थे सर, नहीं पढ़े थे, मैं बता रहा हूँ ना बच्चा। देखो, तो अपोजिट साइड साथ पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। चलो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, जब ए बी पैरेलल डी सी को तो ए डी भी पैरेलल होगा। हाँ सर, होगा। देयरफॉर ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, it is also parallel, what is region, A to B, B to T, collinear points are like, sure, and line DT is their transversal, transversal, therefore, bacho, अब देखो ये पैरेलल है इसको, एंड फॉर्म हो रहा है क्या, हो रहा है ना, बिंच इस फॉर्म में हो रहा है ऐसा। तो ये एंगल एंड ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये डायरेक्टली भी लिख सकते थे, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा है, एंगल सी डी टी is congruent to angle ATD, ATD कैसे आया, by alternate angle, by alternate angle, alternate angle। अब देखिए बेटा, इसी angle को हम लोग CDE लिख सकते हैं क्या, आंसर लिख सकते हैं, एक ही line है, हाँ, collinear point है, और A TD को BTE सकते क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिए, एंगल CDE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BTE। सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को लेने वाले हैं, तो उसके अंदर ही सेगमेंट होना चाहिए ना। चलो, तो ये रीजन भी लिख देना, बी टू ए, ए टू टी, ए टू बी, बी टू टी, रीजन हो गया। इसको ले रहे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया, स्टेटमेंट नंबर 1। अब आते हैं ये दोनों ट्राइंगल के अंदर,
इसके अंदर के ट्राइंगल के अंदर, तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल सी डी ई एंड ट्राइंगल बीई टी बी टी ए या बी टी बी टी ई बी टी चलेगा, कुछ भी लिख सकते हो बेट। अब देखिए ये एंगल कॉन्वर्ट है फ्रॉम इक्वेशन वन, छाप दीजिए पूरा उठा के रख दीजिए। देयरफॉर एंगल सी डी ई इज कॉन्वर्ट टू एंगल बी टी ई। यहाँ डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे आंसर, लेकिन जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे लिखना है आपको, कहां से आया फ्रॉम वन। और देखो मैंने बोला डब्ल्यू 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 तो अंधेरा कायम रहेगा, अंधेरा कायम रहेगा, इधर कुछ नहीं रहेगा बाबा, इधर ऊपर का नीचे का इधर का क्या होगा? वर्टिकली अपोजिटल, क्या वर्टिकली अपोजिटल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। एंगल सीईडी, एंगल सीईडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीईटी, एंगल बीईटी बाय वर्टिकली अपोजिटल। देखो इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इच अदर बाय एंगल इनवर्टेंस, सो वी कैन राइट व्हाट? ट्रायंगल सीडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईटी बाय व्हिच टेस्ट? बाय एंगल एंगल टेस्ट, बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यू कैन राइट सिमिलैरिटी आल्सो, राइट? इट इज अप टू यू। देखो अब बेटा देखो क्या प्रूफ कर रहा है, बीई बीई BE BE CE and TE इसका मतलब बेटा ये साइड्स के रेशियो है, इट मींस वी हैव टू टेक द रेशियो। तो प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। चलो रेशियो कैसे लेंगे, अभी इस ट्राइंगल का ये एंगल कॉन्वर्ट है इसके, तो इसके सामने वाला साइड क्या है, इसके सामने वाला क्या साइड क्या है, CD या DC जो आप लिखना चाहें, और इसके सामने लगा है BT। अब बचा क्या, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के ये वाला, तो इसके सामने क्या है CE, तो क्या लिखोगे CE अपॉन इसके सामने क्या है BT इक्वल्स। अब देखो इसमें का ये एंगल बचा है और इसमें का ये एंगल बचा है, इसके सामने क्या है DE, क्या है DE अपॉन इसके सामने क्या है देखो TE, क्या है TE, क्या लिखना है यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब बच्चों देखो अपने को चाहिए क्या, C चाहिए C, B चाहिए इस सर D चाहिए T, मतलब ये दोनों रेशियो चाहिए, ये दोनों रेशियो को आपको लिखना है। चलो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, C अपॉन BE इक्वल्स टू D अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा C इंटू TE इक्वल्स टू डी इंटू बी। चलो बच्चों देखो अभी जस्ट सी आगे लिखा हुआ है पीछे, तो लिख सकते हैं ऐसा देयरफॉर डीई इंटू बीई इक्वल्स टू सी इंटू टीई, हेंस प्रूव्ड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यही मानता है क्या। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, देखिए करते क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या दिया है, सेगमेंट एसी एंड सेगमेंट बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, इन पॉइंट पी एंड एपी
AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP, दो साइड्स के रेशियो इक्वल है। देखिए, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABP या ट्रायंगल इज सिमिलर टू CDP। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमको। हाँ सर, चलो तो क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP एंड ट्रायंगल CDP जो रेशियो दिया है उसको कॉपी राइट कर लेना है। AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP, कहां से है, गिवन से। अब देखो बेटा, दो साइड्स में से इक्वल हो गया, AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP। और यहां पे क्या बन रहा है बेटा, डमरू बन रहा है, डमरू बन रहा है, काम लेगा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकल या वॉइड एंगल, क्या हो जाएगा बच्चों, वर्टिकल या वॉइड एंगल। देखो एंगल APB, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, CPD बाय वर्टिकल या वॉइड एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एंगल साइड टेस्ट से क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ये प्रूव करना था। देयरफॉर ट्रायंगल एबीपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। हलवा है कि नहीं हलवा है, कमेंट में करो हलवा है, यदि आपको समझा हो तो हलवा लिखो, हलवा सर हलवा है, हलवा यदि आपको समझ रहा है। देखिए हो गया, खत्म हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए और कमेंट जरूर करिएगा। और बाकी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी तक बेसिक अपलोड हो गया है, पार्ट वन पार्ट टू अपलोड हो गया, पार्ट थ्री भी हो गया, और नाइन्थ वाला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैं एकदम सेपरेट वीडियो में बना के आपको देने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो वही होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके 9th वीडियो आपके पास जल्दी जाने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।